दक्षिण भारत के तीन राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी, आंध्र प्रदेश की गुंटूर में बोले पीएम मोदी, चंद्रबाबू पर संगत का असर, मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूदे। टीएमसी विधायक हत्याकांड में बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर एफआईआर, तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की अज्ञात हमलावरों ने कर दी थी गोली मारकर हत्या, अभी स्पष्ट नहीं हुई हत्या की वजह। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जहरीली शराब से अब तक 100 से ज्यादा की मौत, मामले को लेकर प्रशासन सख्त, शराब माफियाओं पर कार्रवाई जारी, अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने मार गिराए 5 आतंकी, केलम गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की थी आशंका। प्रयागराज कुंभ के अंतिम शाही स्नान में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, बसंत पंचमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, संगम तट पर दिख रहा है अद्भुत नजारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के तीन राज्यों के दौरे पर हैं और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री का त्रिपुर दौरा भी इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है और नोटबंदी के दौरान यहां पर नौकरी पेशे पर भी काफी असर पड़ा था। आपको बताए गुंटूर में किया जनसभा को संबोधित और कई विकास परियोजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास किया गया है। पीएम मोदी दक्षिण भारत के तीन राज्यों के दौरे पर हैं और पीएम मोदी दक्षिण भारत के यहां पर दौरे पर है और इसी दौरान जनसभा को गुंटूर में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जो है विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कई बड़ी सौगात वहां की जनता को दी है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश विकास के लिए बीते 55 महीने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हां, अगर कमी रही है तो इतनी कि केंद्र से जो पैसा आया उसको यहां की सरकार ने आपको बताया नहीं, उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसके विस्तार में जाने से पहले मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वही कांग्रेस जिसने इस बंटवारे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों का हित नहीं अपना स्वार्थ देखा। आज उसी कांग्रेस के सामने श्रीमान नायडू ने समर्पण कर दिया है। साथियों, इस पैकेज के तहत केंद्र के अलग अलग मंत्रालय की तरफ से लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को आंध्र के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें कई सरकारी दफ्तर है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान है, उद्योग और लॉजिस्टिक पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के हब है, क्लस्टर है जिनसे आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। और प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल मची हुई है। विपक्ष के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और इस बार यूपी के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने भी उनके पहनावे पर ही विवादित बयान दिया है। द्विवेदी ने कहा है कि प्रियंका जब दिल्ली में रहती हैं तो जीन्स और टॉप पहनती हैं और जैसे ही प्रियंका क्षेत्र में जनता के बीच जाती हैं तो वे साड़ी और सिंदूर लगाकर आती हैं। आपको बता दें कि सांसद शनिवार को यहाँ पर बयान बस्ती में ही आयोजित एक समारोह में दिया था और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पहनावे पर ही विवादित टिप्पणी की और उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी पर भी हमला बोला। सांसद ने कहा है कि राहुल फेल हैं तो प्रियंका भी फेल है। बीजेपी सांसद का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर प्रियंका गांधी के पहनावे को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा है कि राहुल गांधी भी जो है राजनीति में फेल और साथ ही प्रियंका गांधी को भी फेल बताया और साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के पहनावे पर बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी जब दिल्ली में रहती है तो जीन्स और टॉप पहनती हैं और उसके बाद जब जनता के बीच पहुंचती हैं तो सिंदूर
और साथ ही साड़ी पहनती हैं। और इस तरह का विवादित बयान यहाँ पर इस जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि और साथ ही इस तरह के नेताओं की विवादित बयान को लेकर भी जो है कई सवाल अब सामने खड़े हो रहे हैं। और विवादित बयान को लेकर चर्चा में बने हुए बीजेपी सांसद का एक बार फिर से प्रियंका गांधी के पहनावे को लेकर जो विवादित बयान सामने आया उसकी भी अब कांग्रेस में उसके जो है लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान उन्होंने यहाँ पर पहनावे को लेकर दिया, कहीं ना कहीं महिलाओं पर भी जो है महिलाओं की छवि को भी यहाँ पर जो है लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जिस तरह से बीजेपी सांसद की तरफ से बयान आया तो क्या वाकई में उनके जो है मन में आके महिलाओं की कितनी इज्जत है, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर प्रियंका गांधी से ही जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन नेता भी अपनी मर्यादा भूल रहे हैं और किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण सामने है। मैंने कहा कि मैंने ये कहा कि नहीं, राहुल फेल है तो प्रियंका भी फेल है, क्योंकि आज 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 आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में कितना छापेमारी हो रही, कितनी कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो कोई विषय नहीं है। सबको पता है जब प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं तो जींस और टॉप में रहती हैं, और जब क्षेत्र में आती हैं तो साड़ी और सिंदूर। और जम्मू कश्मीर की कुलगाम में सुरक्षा बलों ने भी मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया। अब तक आपको बता दें कि मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार 3-4 आतंकी कुलगाम जिले के केलम देवसर इलाके में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस इलाके की यहाँ पर घेराबंदी कर ली और अब फिलहाल मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में यहाँ पर PhD स्कॉलर से भी आतंकी बने वसीम अहमद के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आतंकी गांव में ही कब घुसे इसकी जानकारी अभी भी नहीं मिल पाई है और बीती रात सुरक्षा बलों को यहाँ पर इस गांव में कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियों के बारे में पता चला था और सूचना के बाद ही सेना के जवानों ने पूरे गांव को ही चारों तरफ से घेर लिया और इनकी तलाशी यहाँ पर शुरू की और इससे बौखलाए आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह की मूर्तियों के विषय में यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर ही शनिवार को मायावती ने कहा है कि मीडिया कृपा करके न्यायालय की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें और मीडिया और साथ ही बीजेपी के लोग कटी पतंग ना बने यहाँ पर तो बेहतर होगा। मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि सदियों से तिरस्कृत दलित और साथ ही पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों गुरुओं और साथ ही महापुरुषों के आदर सम्मान में निर्मित भव्य स्थल स्मारक पार्क का यहाँ पर उत्तर प्रदेश की नई शान पहचान और व्यस्त पर्यटन स्थल है और जिसके कारण सरकार को नियमित आय भी होती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लिए भी कांग्रेस महासचिव का पद संभालने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को लखनऊ आ रही हैं। नवाबों के शहर में उनके भव्य स्वागत की भी तैयारी है और प्रियंका के लिए यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भी सजाया संवारा जा रहा है और उनके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी लखनऊ कल पहुंचेंगे और प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी के महासचिव बनाने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी कल लखनऊ पहुंचेंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और इसी को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं कल लखनऊ पहुंचेंगे और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर आगाज किया जाएगा। कांग्रेस भी लगातार पूरी तैयारी कर रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक रोड शो भी किया जा सकता है। कांग्रेस दफ्तर में भी यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस
कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में भी और साथ ही पदाधिकारियों में भी खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से चुनावी जो है माहौल में, और साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगी और एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस को जिताने को काम यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगी। जनता का समर्थन हासिल करने की प्रियंका गांधी की भी कोशिश होगी। और सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ मिलकर अब यहां पर कदम से कदम मिलाकर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर रही हैं, तो 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा जो है जनता जो है समर्थन जुटाने में कामयाब हो पाएंगे? विभागीय अधिकारी और शराब तस्करों को यहाँ पर गठजोड़ ने भी जो मौत का जाम बांटा, उससे यहाँ पर शुरू हुई मौत का भी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुशीनगर जिले में भी जहरीली शराब से मौत के यहाँ पर हत्या कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्रशासन की लापरवाही, मौनी अमावस्या के दिन जहरीली शराब खुलेआम बेची गई, उसने ही अब तक 11 लोगों की जान ले ली है और 6 लोग अब भी यहाँ पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ई तो 3 दिन से भइल बा, ढेर दिन से नहीं क्या भाई। ई शराब के 3 दिन से भइल बा, 3 दिन से भइल बा कि एगो शराब वाला हम मर गई तो ना पोस्ट मास्टर ना करावल लो। आ ई लड़का मर गई कुमार, तेकर पोस्ट मास्टर भइल आउ रामनाथ के पोस्ट मास्टर भइल बा। आ जे जे पियेले बा उ गइल बा भर्ती भइल बा। यहाँ पे जो ये दारू बिक रहा था झिली वाला, इसी कारण से बहुत बंदे मर गए हैं। और फिर से चनपट्टी में और बिरवट में, बिरवट में 2 बंदे मुए हैं, चनपट्टी में 3-4 बंदे मुए हैं। और यहाँ भी जो घटना घटी है, वहाँ मेरे भी परिवार थे और चाचा लगते थे, वो भी उनका भी घटना घटा। और जो रामनाथ साई दारू बेचते थे उनका भी घटना हुआ। फिर से और 3-4 बंदे हैं जो बिगू और मिरसन और उपेंद्र, उनका इलाज चल रहा है। मैं चाहता हूँ ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेला में भी ऐसा भी दारू बिक रहा था तो कोई पुलिस आराम से इधर घूम रहे थे, कोई नहीं जांच कर रहा था कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और इस शराब माफियाओं का वर्चस्व यहाँ कायम हो चुका है। कई बार टैंकर पकड़े गए, फिर भी यहाँ के प्रशासन और शासन के तो दोषी है, और प्रशासन तो दोषी है ही। ऊपर से नीचे तक जब बधा रहेगा, जब रकम चाहिए तो होगा ही होगा। लोग जनता मरे या जिए, इनको उससे कुछ लेना देना नहीं। और उत्तर प्रदेश में भी जहरीली शराब से हुई मौत के बाद हरदोई जिले के भी अधिकारी और साथ ही पुलिस की यहां पर गहरी नींद टूट गई है। और सूबे में बैठी योगी सरकार लगातार लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के भी दावे कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने जिले भर में छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी कार्रवाई में 2000 लीटर कच्ची शराब और 75 भट्टी और साथ ही पुलिस ने यहाँ पर 1400 लीटर लहन भी नष्ट करवाया। और पूरे जनपद में 30 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पर अवैध शराब बनाने का गढ़ माना जाता है। कल रात में 10 बजे से लेकर के ये अभियान अवैध शराब के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विरुद्ध चलाया गया था। ये अभियान आगामी 15 दिनों तक चलता रहेगा, परंतु कल रात के जो सडन जो दबिशें पड़ी उसमें हरदोई पुलिस ने उन दबिशों में तकरीबन 178 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2212 लीटर शराब बरामद हुई है। इसके अलावा तकरीबन 3000 लीटर लहन वहाँ मौके पर नष्ट भी की गई है। रुड़की में जहरीली शराब कांड को लेकर उत्तराखंड के लक्सर में भी पुलिस सतर्क हो गई है। लक्सर पुलिस ने भी मुखबिर की सूचना पर कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की है और छापेमारी के दौरान शराब की अवैध कारोबार में भी लिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रहे कोतवाल लक्सर वीरेंद्र सिंह ने यहाँ पर कहा है कि किसी भी हालत में शराब का अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में 20 लाख रुपए के कैश के साथ 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें किलौनी के बलराम नगर में 3 दिन पहले कारोबारी के घर पर ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें यह बदमाश 3 दिनों से ही फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस 20 लाख रुपए कैश और साथ ही जेवर बरामद किया गया है।
लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा ये 25,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 3 दिन पूर्व अनिल जैन के घर में जो उसके नौकर और भाई और उसके साथियों द्वारा लूटपाट की गई थी, ये अभियुक्त उसमें शामिल था। और उसमें इसके पास से उसमें लूटे गए 20 लाख रुपए, उनके ATM कार्ड वगैरह कुछ जेवरात भी मिले हैं। इसके पहले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सेम डे जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन गिरफ्तार किए गए थे और ज्वेलरी वगैरह बरामद की गई। लोनी के बलराम नगर में बीते दिन हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SPRA अरविंद जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, 25,000 का इनामी बदमाश है, क्या कहेंगे? ये 25,000 का इनामी बदमाश 20 लाख रुपए जो लूटे गए थे अनिल जैन जी के घर से उसके साथ और उनके यहाँ थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी लूटी गई थी वो भी इसे बरामद हुई है, उनका ATM कार्ड वगैरह बरामद हुआ है। ये लूट 7/2/19 को हुई थी, जिसमें उनके घरेलू नौकर और ने अपने भाई और साथियों के साथ करा दी थी, उसमें ये अभियुक्त शामिल था और इससे ये आज गिरफ्तार किया गया है और बरामदगी की गई। सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 25,000 का शातिर अपराधी है, 25,000 का इनाम है और 20 लाख रुपए भी रिकवर हुआ है, काफ़ी प्रयास किया गया। करीब 4 टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी और काफ़ी टेक्निकल जो हमारे तरीके होते हैं उनकी मदद भी ली गई। यानी कि सर्विलांस 20 बार काम आया। यस, ये थे अरविंद जी जिनसे बात करी, इन्होंने बताया कि सर्विलांस के जरिए इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, लगता है कि आने वाले समय में और भी जो मामले खुल नहीं पा रहे हैं उन्हें भी जल्द ही खोल लिया जाएगा। गाजियाबाद से अपने सहयोगी हिमांशु के साथ जितेंद्र भाटी, Live 24। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए? पा रही है? और उत्तर प्रदेश की हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के भी बुलंदशहर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की और जब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने ही लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने कर्मचारियों पर ही तमंचा तान दिया और इस बीच कर्मचारी और साथी बदमाशों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मौका पाकर बदमाश मौके से फरार हो गए। उन लोगों के पास में कट्टा था, बाइक थी और हमारे शीशे के पास तोड़ने को आए, शीशे के पास आके हम जब बाहर निकले लूट के वजह से आए जी, उन्होंने उनके हाथापाई की और उन्होंने हमारी गल हाथापाई की, हाथापाई में हमारे वो कट्टा हमारे ऊपर उतार दिया उन्होंने, हमने कट्टा पकड़ लिया था, हमारा काटा हाथ में। उत्तर प्रदेश में भी सोनबहादुर की रेणुकूट पुलिस चौकी क्षेत्र में भी वीमार्ट के समीप यावर ग्रीनलैंड बचपन स्कूल में भी अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने से स्कूल में रखा फर्नीचर आदि सामान भी जलकर राख हो गया है। गनीमत यह रही कि यहाँ पर स्कूल में कोई बच्चा उस वक्त मौजूद नहीं था और एक बड़ा हादसा होने से बचा है। और घटनास्थल पर पहुंची रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी है। नहीं, ये आग लग गई थी और मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि हिंडाल्को के फायर सर्विस ने बहुत अच्छे समय पर जो है आकर के और ढंग से बुझाया और लोगों ने अगल बगल के जो लोग तत्परता दिखाते हैं सही समय रहते हैं। और यूपी के मऊ में पुलिस जवानों ने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक जुलूस निकाला और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर नेशनल हाईवे 29 पर आने जाने वाले बाइक समारोह को रोककर ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही बगैर हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार युवकों को भी रोककर उन्हें निःशुल्क हेलमेट दिए गए और उन्हें जीवन के बारे में भी समझाया गया और साथ ही उनसे दूसरे लोगों को भी जागरूक करने की अपील की गई है।
पुलिस अधीक्षक ने भी यहां पर इस सराहनीय कदम को देखते हुए सरकार के मित्र पुलिस का चेहरा सामने आया है और जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है, और वहीं पुलिस अधीक्षक के भी साथ एक दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे। मानव जीवन बड़ा बहुमूल्य है और समय समय पर जो है यातायात के नियमों के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारे मतलब निदेशालय से भी आता है और वैसे भी प्रतिदिन जो है आप देखते होंगे कि सड़क पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए ये कार्यक्रम मतलब चलाया जा रहा है, जिसे सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जो है पूरा प्रदेश में इसको किया जा रहा है। कन्नौज स्कूल में भी पढ़ने का एक छात्रा ने अचानक ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है और छात्रा की मौत के बाद से ही शहर में चर्चाओं का भी बाजार गर्म हुआ है और सामने कई बातें भी निकल कर आ रही हैं, जिसमें पुलिस को भी उसके स्कूल बैग से 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। और जबकि छात्रा के पिता 3 युवकों पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनको मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। कोतवाली कन्नौज क्षेत्र में एक बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है और उसने आज ट्रेन के सामने कूद करके सुसाइड कर लिया और सूचना पर वहाँ पर पुलिस गई है और पंचायतनामा किया गया है। उसके पास से सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है जिसमें इस ओर इशारा है कि उसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था और परिवार इस बात से सहमत नहीं था कि उसका रिश्ता आगे बढ़े, तो इससे दुखी होकर के उसने दुखद निर्णय लिया है। जाँच चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव 24। नमस्कार।